हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये असम के अंदर है। इसके अंदर पूरा डिटेल से बात करेंगे किस कोर्स की कितनी फीस रहती है और कितना टाइम लगता है किसी भी कोर्स में, तो पूरा डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इसी तरीके की नई नई और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक कोर्स के बारे में आपको पूरे तरीके से गाइड करूँगा कि आप किस कोर्स की कितनी फीस रहेगी और कितने टाइम का रहेगा, मतलब पूरा डिटेल बताऊँगा सब्जेक्ट का, बाय द वे स्ट्रीम वगैरह क्या रहेंगे आपके। तो प्लीज़ यार, दिल से कह रहा हूँ कि लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है BTech। तो BTech यहाँ पर जो फीस रखी गई वो लगभग 219,350 रुपये रखी गई है फर्स्ट ईयर। तो जैसा कि ये कोर्स आपका 4 साल का रहेगा, तो यहाँ पर 4 साल का कोर्स होने के बावजूद तो 1 साल की जो फीस है वो यहाँ पर 219,350 रुपये है। तो वही सेम चार्ज आपको 4 ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 साल तक आपको सेम चार्ज पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर लगभग 10 स्ट्रीम मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर 10 स्ट्रीम मिल जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BTech के बाद MTech करने की सोच रहे हैं, अदरवाइज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप। तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी 2 साल की रहेगी। तो 2 साल के अंदर जो आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का लगभग 201,800 रुपये, यानी कि 201,800 रुपये। वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 22 स्ट्रीम मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर 22 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग MSc करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, तो आप MSc कर सकते हो। MSc यहाँ पर लगभग 2 साल की होने वाली है। MSc आपकी 2 साल की रहेगी मास्टर ऑफ साइंस। तो इसका जो चार्ज रहेगा 30,350 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 30,350 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं और 30,350 रुपये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी सेम रहेगा आपका। जो लोग PhD करने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ से PhD भी कर सकते हैं। तो PhD आपकी 3 साल की होने वाली है जैसे कि, और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ईयर में चार्ज देना पड़ेगा 18,150 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में 18,150 रुपये पे करना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपको सेकंड एंड थर्ड में पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है 3 साल का कोर्स रहेगा, तो 3 साल के कोर्स के अंदर आपको जो स्ट्रीम मिलता है लगभग 19 स्ट्रीम मिल जाती है। लगभग 19 स्ट्रीम मिल जाती है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से BDS यानी कि बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, BDS कर सकते हैं। BDS का यहाँ पे जो लगभग कोर्स है 4 साल का होने वाला है, यानी कि BDS आपका 4 साल का रहेगा और जो फीस रहेगी यहाँ पे लगभग 219,350 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 219,350 रुपये पे करना पड़ेगा। भाई सेम चार्ज आपको सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से 4 साल के अंदर आपको सेम चार्ज आपको पे करना पड़ेगा पर ईयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं डेवलपमेंट स्टूडियोज से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो यहाँ पर इसका जो चार्ज रखा गया है, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूँ, ये 2 साल का रहेगा आपका MA। और यहाँ पर जो इसका चार्ज रहेगा 30,350 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 30,350 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से MDS यानी कि मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो यहाँ पर देखिएगा 11,800 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और ये कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। तो कर सकते हैं आप। जो लोग यहाँ से MTech और PhD दोनों ही कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर MTech प्लस PhD लगभग 2 साल का कोर्स रहेगा आपका कंप्यूटर साइंस से। तो 11,800 रुपये में पर ईयर चार्ज रहेगा आपका, 11,800 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। जो लोग MS करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका फीस स्ट्रक्चर नहीं दिखा रखा है, अदरवाइज आपको खुद पता करना पड़ेगा। लेकिन आप MS रिसर्च यहाँ पर 3 साल की मिलती है आपको। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप तक और लाता रहूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो से कोई भी रिक्वेस्ट चाहिए या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आपका कमेंट करने के बाद जरिया है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।